हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक, प्लांट रिप्रोडक्शन 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। ठीक, तो प्लांट रिप्रोडक्शन में तुमको जो पढ़ना है, किसके बारे पढ़ना है, प्लांट मतलब प्लांट क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब फिर से कुछ अपनी तरह बना रहे हैं। ठीक, तो कैसे बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीड बनेगा, सीड बनेगा है ना, सीड कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे बनेगा, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो ऑब्वियसली क्या बोले, सीड बनेगा या फ्रूट बनेगा, तो ये कंडीशन किसका हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। ठीक, मतलब सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एंजियोस्पर्म का। ठीक, तो हमें तुम्हारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स है ना, जो भी है वो सब नहीं पढ़ना है, थैलोफाइट्स ये सब नहीं पढ़ना है, तो एंजियोस्पर्म के बारे पढ़ना है। तो सबसे पहले ये है कि फ्रूट कहाँ बनता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ्रूट और सीड कहाँ बनता है, लाइक फ्रूट या सीड कहाँ बनता है, तो कहाँ बनेगा, तो वो जो पार्ट वो बनते हैं फ्लावर्स, कहाँ बनेगा, फ्लावर्स। तो हम इसलिए फ्लावर में बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर कैसा दिखता है, तो ये देखो पहले फीमेल का पार्ट बनाएंगे, ये जो फीमेल वाला पार्ट है। ठीक, ये जो फीमेल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टल। ठीक, फीमेल वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्पेल या पिस्टल। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि अगर इसके पार्ट्स को देखेंगे, कार्पेल या पिस्टल के पार्ट्स को देखेंगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम स्टिग्मा, इसको बोलेंगे हम लोग स्टाइल, और इसको बोलेंगे हम लोग ओवरी। ठीक, जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ओवरी, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टाइल। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि जो कार्पेल या पिस्टल हैं, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, एक नहीं होते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक, तो अगर बहुत सारे हैं या एक भी हैं एक फ्लावर में, या बहुत सारे हैं, तो सभी को हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम। क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। दूसरी बात क्या बताएं कि यहाँ से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर निकले, ये मेल वाला पार्ट है, और मेल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन बोले, स्टैमेन का जो पार्ट है, स्टैमेन का जो पार्ट है, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको एंथ्रा कहेंगे, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहेंगे। आगे बात समझे, ये जो स्टैमेन है, जो मेल वाला पार्ट है, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, और भी होते हैं। ठीक, तो सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। जैसे वहाँ गाइनोशियम बोल रहे थे बहुत सारे पिस्टल को मिला के, तो बहुत सारे स्टैमेन को मिला के क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम बोलेंगे। आगे बात समझे, फिर कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर निकलेगा बाहर की ओर। ठीक, ठीक, तो एक को हम बोलेंगे सेपल, और सभी को मिला के क्या बोलेंगे, कैलेक्स। आगे बात समझ में, सेपल से कुछ इस तरह का डोम लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम बोलेंगे थैलेमस, या दूसरा नाम इसका रिसेप्टिकल्स। फिर यहाँ से कुछ एक्सटेंशन निकलेगा जिसको हम बोलेंगे पेडंकल्स। ठीक, अच्छा, वो पंखुड़ी जो बोलते हो, पंखुड़ी होता है फूल, तो पंखुड़ी को हम बोलते हैं इस तरह का कुछ हो, पंखुड़ी बाहर इस तरह का कुछ निकला हो, तो इस पंखुड़ी को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। ठीक, इस पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, पेटल्स। एक को अगर बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेटल्स हैं, तो सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे, कोरोला, बहुत सारे पैटर्न को मिला। तो ये समझ में आ गया होगा कि फ्लावर का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे कि फ्लावर का तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मतलब यही रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन है कि फ्लावर बनता कैसे है। क्वेश्चन क्या है, हाउ फ्लावर फॉर्म्स, फ्लावर कैसे बनता है। तो फ्लावर जो होता है
एपिकल मेरिस्टेमेटिक स्टेम, एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम में बनेगा। मतलब कि मान लो कि कोई स्टेम है, ठीक, कोई स्टेम है, इस स्टेम से फ्लावर बनेगा। कैसे बनेगा? हमने अपने स्टेम में क्या होता है, इंटर नोड्स एंड इंटर नोड, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स, और ये इंटर नोड है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है एपिकल पोर्शन, ये बनाएगा गाइनोशी, फीमेल वाला पार्ट, ठीक। ये जो पार्ट है यहाँ से बनेगा कुछ मेल वाला पार्ट, ठीक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। उसके नीचे जो वाला इंटर नोड होगा इसको बोलेंगे हम क्या, ये क्या बनाएगा, तो पेटल्स। पेटल्स क्या, बहुत सारे पेटल्स को मिला के क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक, कोरोला। फिर जो नीचे वाला पार्ट होगा वो सेपल्स, इसके नीचे जो होगा वो क्या बनाएंगे, थैलमस, ठीक, इस तरह से, ठीक। बनता कैसे है, देखो क्या होगा कि हार्मोन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से क्या होगा कि इस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेम वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टेम, ये जो स्टेम वाला स्ट्रक्चर है ये कंप्रेस होगा, इस तरह से कंप्रेस होगा। जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा कि इस तरह से कंप्रेस होगा, ठीक, तो स्टेम का स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हार्मोन्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे और इसके स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में क्या आएगी, चेंज आएगी। फिजियोलॉजी में चेंज आएगी। जब ये चीज कंप्रेस करेगा तो क्या क्या बन जाएगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बन जाएगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। बर्ड कैसे दिखता है, देखे होंगे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पहले निकलता है फिर फूल निकलता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकलता है ग्रीनिश, है ना, फूल निकलने से पहले। जब इसको खोलोगे ऐसे तो ये क्या होता है, सेपल्स होते हैं। सेपल्स होंगे, फिर अंदर देखोगे तो कलर वाला जो पंखुड़ी वाला पार्ट होता है कोरोला, कभी बर्ड को खोल के देखना, ठीक। फिर अंदर तुमको मेल पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिख जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। हॉर्मोन्स की वजह से स्टेम में कॉम्प्रेशन होगा और इसके स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, चेंज आएगा और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। फिर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है एक प्रोसेस है एंथेसिस, क्या है, एंथेसिस, ठीक। एंथेसिस के प्रोसेस से ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है चेंज हो जाएगा किसमें, फ्लावर में। आई बात समझ में, ये चेंज हो जाएगा फ्लावर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है बाबू, है ना, एंथेसिस। तो ये समझ में आ गया कि फ्लावर कैसे बनता है, मतलब एक ये जो एपिकल पार्ट है और ये जो है इंटर नोड पे क्या होते हैं, ये जो तुम बोलोगे कि सर गाइनोशियम एंड्रोशियम कोरोला कैसे दे देता है प्लांट, तो क्या है कि हर एक इंटर नोड पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ए समथिंग, है ना, कुछ बनाने वाला मतलब टिश्यू होता है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो पिछले 11th में पढ़ के आए हो, ठीक, अब देखेंगे कि जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स, ठीक, कैलिक्स मतलब बहुत सारे सेपल को मिला के क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स और कोरोला जो है ये हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ये ऐसे पार्ट हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। कैलिक्स कैसे करता है, तो कैलिक्स जब देखोगे आगे जब पढ़ाएंगे बोलेंगे पॉलिनेशन इन बर्डिंग, बर्डिंग में पॉलिनेशन, तब ये चीज तुमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैलिक्स कैसे हेल्प कर रहा है बर्ड के स्ट्रक्चर में। जब बर्डिंग होता है, बर्डिंग पॉलिनेशन हो जाता है किसी किसी प्लांट में, ठीक, बर्ड के ही स्टेज में, है ना। पॉलिनेशन बताएंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, अभी पढ़ा नहीं रहे बस जानो, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, रिप्रोड्यूस करने की इसमें कैपेसिटी नहीं होती है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। कोरोला भी क्या करता है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन बाय एनिमोफिली, सॉरी एंटेमोफिली का मतलब क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इसका मतलब क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट,
इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम एंटेमोफिली बोलते हैं, मतलब कोरोला कलर पार्ट है और कलर पार्ट से इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी वजह से मतलब कैलिक्स और कोरोला हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। इसी वजह से इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एसेसरी वॉल्स, वॉल्स। हाँ, ये बात समझ ठीक। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि ये कैलिक्स और कोरोला की बात हो गई। एंड्रोस्टियम और गायनोस्टियम जो है, एंड्रोस्टियम जो मेन पार्ट है ठीक, एंड्रोस्टियम और गायनोस्टियम जो है, ये दो जो दो पार्ट हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प नहीं करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ये मेन पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, पढ़ा चुके हैं ठीक। इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन, ये दोनों रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंशियल वॉल्स। आगे मतलब अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि स्टैमेन क्या होता है ठीक। अब मेल का जो स्टैमेन था ठीक, ये मेल वाला स्टैमेन, मेल वाले पार्ट कब होते हैं स्टैमेन, कुछ ऐसा नहीं था ठीक। तो इसके बारे पढ़ेंगे ठीक। तो स्टैमेन क्या है कि एवरी स्टैमेन, हर एक स्टैमेन में दो पार्ट होता है। ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एंथर बोलते हैं ठीक, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट ठीक। अब देखो फिलामेंट जहाँ पे इस एंथर से मिल रहा है, इस एंथर से मिल रहा है, इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे डिस्टिलेंट ठीक। और फिलामेंट नीचे से किससे मिल सकता है, थैलेमस से मिल सकता है या पेटल्स से मिल सकता है ठीक, थैलेमस से मिल सकता है या पेटल्स से मिल सकता है, ये फिलामेंट ठीक। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। आगे बात समझ, फिर हम क्या देखेंगे कि एंड, अब देखो इतना समझ में आ गया ठीक। कभी कभी किसी किसी प्लांट में, जैसे किसी किसी प्लांट में जैसे कॉटन शू प्लांट है ना, इसमें क्या होगा कि एंथर जो होता है मोनोथीकसों में, ये जो एंथर है, ये एंथर क्या होंगे, ये वाले एंथर ये क्या होंगे, मोनोथीकस। मोनो का मतलब क्या होगा, वन, और थीका ठीक, थीकस मोनोथीकस, थीका जो वर्ड आया है, थीका जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है लोब्स। थीका का मतलब क्या होता है, लोब, मतलब एंथर क्या है, एक लोब के बने होंगे ठीक। किसी किसी प्लांट में क्या होगा, जैसे कॉटन शू फ्लावर ठीक, किसी किसी प्लांट में क्या होगा, ये जो एंथर है ये बाई लोब होंगे, मतलब डाई थीकस, डाई थीकस, डाई का मतलब दो लोब, दो लोब्स में होंगे ठीक। एंथर क्या होंगे, दो लोब्स में किसी किसी प्लांट में। अब क्या बोल रहे हैं, ये दो लोब को एक नॉन स्टेराइल टिश्यू, एक स्टेराइल टिश्यू, एक स्टेराइल टिश्यू होता है, सॉरी नॉन स्टेराइल, एक स्टेराइल टिश्यू होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव्स ठीक, ये सेपरेट करता है ठीक। तो क्या बोले, जो एंथर डाइथिकस होते हैं, मतलब दो लोब वाले, उसको उसको जो एक स्टेराइल टिश्यू होता है, एक स्टेराइल टिश्यू, इसका नाम क्या है, कनेक्टिव्स है, जो इसको सेपरेट करता है, मतलब एक लोब ये, एक लोब ये, दूसरा लोब ये ठीक। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंथर, टाइप्स ऑफ स्टैमेन, अलग अलग स्टैमेन मेल पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर विद फिलामेंट, मतलब कि हम स्टैमेन के टाइप्स देखेंगे क्या, किस बेसिस पे, मतलब एंथर फिलामेंट से किस तरह से अटैच है ठीक। एंथर जो है फिलामेंट से, ये जो एंथर है ये फिलामेंट से किस तरह से अटैच है, मतलब ये एंथर फिलामेंट से किस तरह अटैच है। तो सबसे पहला है
इस तरह का होगा, ठीक। और यहाँ से ये डॉर्सल को ये बेस से अटैच होगा, ये बेस है किसका, एंथर का फिलामेंट यहाँ से अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे बेस फिक्स, बेस फिक्स टाइप, ठीक। तो पहला क्या है कि इस एंथर से ये फिलामेंट जो होगा बेस पर अटैच होगा, ठीक, इसको हम बोलेंगे बेस फिक्स। दूसरा जो है, दूसरा जो है ये एंथर है ये डॉर्सल मतलब पीछे से आके अटैच होगा इस तरह से पीछे से, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पीछे को क्या बोलते हैं, हमेशा पीछे को क्या बोलते हैं, डॉर्सल, सबको पता होगा डॉर्सल, आगे वेंट्रल, साइड लैटरल, एंटेरियर एंड नीचे पोस्टेरियर, तो क्या बोल रहे हैं पीछे से आके अटैच होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे डॉर्सी फिक्स, तो क्या बोलेंगे डॉर्सी फिक्स, सॉरी डॉर्सी फिक्स। तीसरा जो एंथर होगा ऐसा अटैचमेंट होगा एंथर और फिलामेंट का, वो इस तरह का होगा ये, और ये जो फिलामेंट है अलोंग बाय ऐसे, इससे इससे ऐसे अटैच होगा अलोंग विद एंथर से अटैच होगा, है ना, ये फिलामेंट कैसे अटैच होगा विद अलोंग विद एंथर, मतलब एकदम इसी से ऐसे पूरा ऐसे सटा रहेगा, ठीक। तो इस तरह के कंडीशन में हम बोलते हैं एडिनेट, एडिनेट, ठीक। और जो लास्ट है, जो लास्ट है, जो चौथा है, ये तीसरा तरह का था, पहला क्या हो गया बेस फिक्स, दूसरा डॉर्सी और तीसरा है एडिनेट, ठीक। और जो लास्ट है चौथा, वो होते हैं जैसे कि कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं क्या बोले एनिमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो हवा से पॉलिनेशन करते हैं, मतलब हवा के थ्रू पॉलन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, ठीक, मतलब एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, एयर से पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस तरह के प्लांट में क्या होगा, जो एंथर होगा इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, ये एंथर किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, मतलब डायगोनल होगा, एंथर कैसा होगा डायगोनल, ठीक, और इससे फिलामेंट इस तरह से अटैच है, ठीक, इस तरह से अटैच होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के अरेंजमेंट को जिस टाइम एंथर और फिलामेंट का अरेंजमेंट है, इस तरह को बोलते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम, ठीक। तो आज की क्लास इतनी ही है ना, अगले आगे देखेंगे कल क्या पढ़ा सकते हैं, है ना, तो कल से क्लास मिस मत करना, ठीक, चलो बाय।